नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत होम्स 3 BHK फ्लैट लाया हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव फ्लैट है, रेट के हिसाब से तो सस्ता है ही, लेकिन फ्लैट जबरदस्त बना हुआ है। मतलब 90 गज का फ्लैट है, 3 BHK का बिल्कुल ही बड़ा फ्लैट है। बेडरूम के साइजेस वगैरह हर चीज़ आपको इसमें बड़े मिलेंगे। लिफ्ट है, कार पार्किंग है। सबसे पहले हम आपको लिफ्ट और स्टेयरकेस का स्पेस हम दिखाएंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए जी, हमारा स्टेयरकेस हो गया और ये सामने जो है लिफ्ट है। फ्लैट ऐसा है कि 90 गज का आगे है, पीछे में आपको 60-60 गज की 2 यूनिट मिलेगी। अभी हम आपको दिखाएंगे 90 गज का 3 BHK। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेसिंग से इस फ्लैट का। इस फ्लैट की जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग है। घर से जब आप बाहर निकलिएगा तो नॉर्थ की तरफ जाइएगा, तो फेसिंग आपका नॉर्थ फेसिंग है। काफ़ी अच्छा फेसिंग माना जाता है एज पर वास्तु, ठीक है। इंटर करते ही हॉल में अगर हम आ रहे हैं, तो हॉल में आते ही हमें क्या दिख रहा है, खूबसूरत सा वॉलपेपर। सबसे पहले इधर दिखाओ, एक खूबसूरत सा वॉलपेपर है जो कि पूरे के पूरे एल टाइप का आपको पूरे की पूरी दीवार पे आपको मिलता है। इसी दीवार पे आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिलती है आपको, राइट। और अगर हम ऊपर की बात करें तो पंखे लगे हुए हैं, झूमर लगा हुआ है और बेहतरीन काम किया हुआ है फॉल सीलिंग में। लाइट वर्क जबरदस्त है। इस दीवार पे आपको टीवी पैनल मिला हुआ है। टीवी पैनल का कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, माइका का खूबसूरत लग रहा है। और साथ में दोनों तरफ जो ये जो ग्लास वर्क किया हुआ है, ये इसकी खूबसूरती और बढ़ा दे रहा है। तो ओवरऑल ये बहुत ही और अच्छे लोकेशन, मतलब वेल प्लेस्ड है। ऐसे जगह पे है जहाँ से किचन में भी काम करने वाले या लिविंग एरिया में भी जो देख बैठे हुए हैं, दोनों इस टीवी को आराम से देख सकते हैं। जो टीवी पैनल है इसमें आपको स्टोरेज की फैसिलिटी भी है। ये आपको नॉर्मली आपको घुसते ही आपको दिख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं स्पेस वो जहां कि आप अपना सामान रख सकते हैं। सामान इन द सेंस लिविंग एरिया में क्या हम रखते हैं, जनरली सोफा और टेबल हमारा लगना चाहिए। ये प्रॉपर यहाँ पे 6 to 8 सीटर आपके पास यहाँ पे सोफा लगता है। प्रॉपर बहुत ही एम्पल स्पेस है यहाँ पे, और बीच में आपका यहाँ पे टेबल आ जाएगा। चूंकि स्पेस 90 गज का है तो यहाँ पे ड्राइंग और डाइनिंग दोनों का स्पेस यहाँ पे आपको बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप आके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, यस जो मैं कह रहा था वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे सोफा आपका लगने के बाद बीच में आपका टेबल आ जाएगा, और ये जो पार्टिकुलर स्पेस है यहाँ पे, ये स्पेस को आप डाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। लिविंग एरिया से ही लगा हुआ आपको जो है यहाँ पे किचन आता है। किचन में आप सबसे पहले क्या देखेंगे आप, कि ये जो किचन में इसको यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है, वुडन पार्टीशन किया हुआ है यहाँ पे किचन को। आर्टिफिशियल ग्रास लगाया हुआ है इसमें जो बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ इसमें आपको सामान रखने के लिए कोई भी मतलब चीज़ें जो आपको अच्छा लगता है उन चीज़ों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपके पास आपको वो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें अभी लाइट जल नहीं रही है, छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं जो कि जब आप उस जब एक्टिव हो जाएगा तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। बीच में हमने यहाँ पे पावर का पॉइंट दिया हुआ है। जनरली यहाँ पे अगर सोफा रहेगा तो अगर आपको दिल करता है यहाँ पे आपको अपना लैपटॉप हो गया या फिर अपना मोबाइल हो गया, उसके चार्जर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आज के डेट में हर चीज़ जो है अब लैपटॉप और मोबाइल पे ही आ गया है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो परफेक्टली दिया हुआ है। अब आते हैं किचन पे। किचन को 3 साइड तरीके से बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो स्लैब है वो प्रॉपर 3 साइड से किया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्टीशन दिया हुआ था इसके ठीक पीछे में, इधर आना भैया, ये जो स्पेस है ये आपके फ्रिज के लिए है, फ्रिज के लिए है। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे हमने पावर का पॉइंट भी आपको दिया हुआ है। और एक चीज़ और इस किचन में आप देखेंगे
जहां पे भी दीवारों पे अगर खाली स्पेस है उन सब जगहों पे आपको टाइल लगाया हुआ है। टाइल लगने का मतलब ये हो गया कि अब जिंदगी में कभी भी आपको इसमें काम नहीं कराना पड़ेगा, आपको जब भी काम करवाएंगे इसके अलावा ही काम कराना पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो गया आपको, साफ सफाई में भी दिक्कत नहीं होना आपका, हर चीज एकदम ओके रिपोर्ट यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे फ्रिज जो है बड़ा से बड़ा, ये पूरा ओपन एरिया छोड़ा हुआ है जानबूझकर कि आपके पास बड़ा से बड़ा अगर आप फ्रिज भी है तो आपका यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आप रख सकते हैं। फ्रिज के बाद ये जो पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन है हमारा वॉशिंग एरिया का। वॉशिंग एरिया में आपको टैप वगैरह हर चीज लगा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो परफेक्टली प्लेस्ड है वॉशिंग एरिया भी। और ये जो जगह है यहाँ पे आरओ की फिटिंग के लिए, आरओ की फिटिंग ऑलरेडी की हुई है, आपको सिर्फ आरओ लाके लगवाना है। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कटिंग वगैरह भी किया हुआ है तो आपका आरओ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे लाइट लगा हुआ है ताकि आपको जो है कभी भी एकदम हर चीज दिखेगा आपको। ये वॉशिंग एरिया हो गया। चूंकि हम जनरली आपको जितनी भी आज तक हमने किचन दिखाया है सबका सब हमने आपको मॉड्यूलर किचन दिखाया है, मॉड्यूलर किचन के साथ में चिमनी, ये हमारा एकदम बिल्कुल सिंपल थीम है और ये जनरली हर फ्लैटों में आपको मिलेगा। यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी चिमनी ऑलरेडी आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। पावर का पॉइंट की बात अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। आपके पास माइक्रोवेव ओवन वगैरह कुछ भी अगर रखना है उसके लिए आपके लिए परफेक्टली जगह है, ठीक है। ये चूंकि हमारा चिमनी यहाँ पे लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे चूल्हा यहाँ पे रखा जाएगा। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्लैब का, वो सारा व्हाइट मार्बल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखा जाए तो बिल्कुल ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो टाइल का है, टाइल और माइका का कॉम्बिनेशन, या फिर अगर टाइल और ये क्या कहते हैं व्हाइट मार्बल पत्थर का अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसी से कॉन्ट्रास्ट में ही आपको यहाँ पे माइका लगा हुआ है आपको नीचे वाले इसमें भी। ये सारा का सारा मॉड्यूलर किचन है, एक बार दिखा देना भी आप अच्छे तरीके से किचन दिखाना, बिकॉज किसी भी घर में किचन ही सबसे इंपॉर्टेंट जगह होता है। मॉड्यूलर किचन है, तो ये रहा आपका, मैंने ओवरऑल आपको किचन दिखाने की कोशिश करी आपको। स्पेस का कमी नहीं है, जो भी जगह है हर जगह का प्रॉपरली इसमें यूटिलाइज किया गया है। रही बात लाइट का, लाइट वर्क का, तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी हमने एक फैंसी लाइट आपको लगा हुआ मिल रहा है। और आप चीज गौर करिएगा, ये जितने भी वुडन वर्क की हुई है इन सब में हमने एलईडी लाइट लगा रखी है। आप कभी भी ओपन करेंगे आपको अंदर में क्या है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर आपको दिखेगा कि क्या है। तो ओवरऑल किचन बहुत शानदार है, मुझे अच्छा लगा। अब मैं आपको नक्शा समझाता हूँ, बिकॉज ये हम इंटर किए थे, हमने लिविंग एरिया हमें दिखा था और सामने किचन दिखा था। दो बेडरूम हमारा बालकनी की तरफ आएगा और दोनों के दोनों बेडरूम से ऐसा है कि हमने इस तरीके से बनाया हुआ है कि दोनों के दोनों बेडरूम में आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है। एक बेडरूम ऐसा मिलेगा आपको जो कि आपको जिसमें साफ्ट है, तो नेचुरल सी बात है चाहे कितना भी हो स्क्वायर मत्थे का ही फ्लैट अगर आप ले रहे हैं एक रूम तो आपका साफ्ट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बेडरूम से ही जो साफ्ट वाला है। बिल्कुल ही तैयार फ्लैट है, इसमें हर चीज लगा हुआ ऑलरेडी आपको दिखेगा। कहने का मतलब है जो हम दे रहे हैं वो यहां पे आपको दिखेगा। जहां तक इस रूम का साइज की बात है, अगर आप लंबाई में देखेंगे तो 12 के आसपास का है और ऐसे चौड़ाई में अगर आप देखेंगे तो 12x10 का ये आपको रूम मिलता है जो कि काफी अच्छा स्पेस माना जा सकता है
रूम के हिसाब से। आपको वॉलपेपर हमने यहाँ पे लगा हुआ दिखाया है, ये माइंड ये इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये कस्टमाइज है। अगर आप अपनी चॉइस का करवाना चाहते हैं, वी आर वेरी मच ओपन, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके चॉइस का हम करवाने के लिए। जितना भी आप ये स्विचेज आप देख रहे हैं, सारे के सारे मॉड्यूलर स्विचेज हैं, कोना के स्विचेज हैं, ब्रांडेड हैं। आपको पंखा हम ऑलरेडी लगा के ही दे रहे हैं, और चूंकि इस रूम में ये शाफ्ट है, जो मैंने आपको बताया था ये शाफ्ट है, हमने यहाँ पे आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग करके दी हुई है, तो आपका स्प्लिट एसी लग जाएगा और आपका मोर और लेस देखा जाए तो हर चीज जो है शाफ्ट वाले कमरे के हिसाब से परफेक्टली है, ठीक है। जहाँ तक पावर के पॉइंट की बात है, ये बहुत चीज़ें हैं जो कि मैं जनरली बता नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए। आप गौर करेंगे, आपको इस साइड में भी यहाँ पे आपको पावर पॉइंट मिल रहा है, एज वेल एज आपको इस दीवार पे भी आपको पावर का पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे तो जनरली आपको मिल ही रहा है। तो एक ही रूम में तीन पावर पॉइंट आपको मिल रहा है। आपको लैपटॉप चार्ज करना हो, मोबाइल चार्ज करना हो, कुछ भी अगर करना आप चाहें तो आपके बेड पे लेटे लेटे भी आपका हो सकता है। अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन तो कुछ भी चीज़ के लिए आप कर ही सकते हैं। रूम का साइज बढ़िया है, यस। इस रूम में वुडन वर्क नहीं मिलेगा, इस फ्लैट में दो कमरे में वुडन वर्क है, एक कमरे में नहीं है। तो जनरली किसी के पास भी अपना एक अलमीरा गोदरेज वगैरह रहता ही है, ठीक है। तो इस रूम में हाँ, अगर आप बनवाना चाहेंगे एट द टाइम ऑफ मीटिंग, हम उसके लिए ओपन है, हम बात कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस रूम में भी चाहिए, हम ओपन है, हम वो ऑन द टेबल बात कर लेंगे आपसे। रही बात फॉल सीलिंग की, एक बार भैया ऊपर का फॉल सीलिंग दिखा हुआ, सिंपल फॉल सीलिंग है और अच्छा लग रहा है। अब आगे चलते हैं, हम आपको पहला बेडरूम हमने तो आपको दिखा ही दिया, तो लिविंग एरिया से लगा हुआ मैंने आपको पहला बेडरूम दिखाया, किचन दिखाया और लिविंग एरिया तो मैंने दिखाया ही दिखाया। अब लिविंग एरिया से ही लगा हुआ आपको यहाँ पे आपको ये कॉमन टॉयलेट आया आपका, कॉमन टॉयलेट जो है बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत कॉमन टॉयलेट है। टाइल्स आप देख पा रहे होंगे, वॉल टू वॉल टाइल्स हर तरफ आपको लगा मिलेगा, और टाइल का कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है, क्वालिटी भी है और कलर कॉम्बिनेशन भी शानदार है। स्टार्ट करते हैं हम अपने ये वॉल हैंगिंग सीट के लिए, ऑलरेडी लगी मिल रही है आपको। इसका भी डायरेक्शन की बात अगर करेंगे, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है, परफेक्टली है एज पर वास्तु, बिल्कुल ही परफेक्टली है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको गीजर की फिटिंग ऑलरेडी करी हुई मिल रही है, सामने आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको लगाने के लिए हमने ये विंडो ओपन किया हुआ है, ठीक है। गीजर के लिए हमने यहाँ पे आपको पावर का पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये चीजें तो इस पोर्शन पे आ गया। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे डाइवर्टर की फिटिंग हमने की हुई है, डाइवर्टर लगा हुआ मिल रहा है आपको, यहाँ पे है शावर मिला हुआ है, और ये हमारा वॉश बेसिन है, वॉशिंग एरिया है। तो हर चीज बिल्कुल ही परफेक्टली प्लेस्ड है। एक बार थोड़ा सा नीचे भी दिखा देना आप, जनरली जो है ना प्रॉपर ये एसएस का है तो कभी ये खराब नहीं होगा, और हर चीज आपको क्लीन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारे के सारे विट्रीफाइड टाइल्स हैं, तो कुल मिला के कॉमन टॉयलेट मजा आ गया देख के, अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ, और दूसरा बेडरूम इत्तेफाक से आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है। बहुत ही बड़ा बेडरूम है, स्पेसियस बेडरूम है। आप साइज आके देखेंगे, बेड लगने के बावजूद आपके पास बहुत सारा जगह इसमें बचेगा, ठीक है। बहुत ही स्पेसियस बेडरूम है, और इस रूम में आते ही आपको सबसे पहले दिखता क्या है पहले वो हम देख लेते हैं। आपके पास एक तरफ पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक आपको ये अलमीरा आपको मिल रहा है, और बड़ा अलमीरा है, और वहीं दूसरी तरफ ये आपका ड्रेसिंग टेबल का ऑप्शन आ गया। तो आपको अलमीरा भी दे रहे हैं और ड्रेसिंग टेबल भी आपको हमारे तरफ से ही मिल रहा है। ये जो बीच का जो पोर्शन है जहाँ कि हमने बेड लगाना है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर लगा मिल रहा है आपको, और ये बेड यहाँ पे बड़ा से बड़ा बेड भी आराम से लगेगा। किसी भी हालत में ये बेड इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ये 7 फुट के आसपास में यहाँ तक आ रहा है, आराम से इससे बड़ा नहीं होगा। और फिर भी आपके पास मूविंग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे
तो ये प्रॉपर स्पेस यहाँ पे आपको मूविंग एरिया का दिख रहा है मुझे, तो प्रॉपर बहुत ही अच्छा स्पेसियस बेडरूम है, आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इस बेडरूम में आपको क्या दिख रहा है, टीवी पैनल। तो आपको हमने लिविंग एरिया में एक टीवी पैनल दी, अब आपको मास्टर बेडरूम में एक टीवी पैनल मिल रहा है विथ स्टोरेज इसमें भी है, लाइट वर्क इसमें भी किया हुआ है जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, हो जाएगा। जहां तक विंडो की बात है, भी मैं आपको बालकनी भी दिखाऊंगा, तो अगर आप इसको देखिए, आप ये नेट वाला भी आपके पास पल्ला मिल रहा है, ग्लास वाला भी मिल रहा है, बीच में आपको ग्रिल लोहे की ग्रिल मिल रही है। तो आप अगर चाहेंगे, जैसे कि अभी गर्मी का दिन चल रहा है, कि नहीं जी मुझे नेचुरल हवा चाहिए, तो आप अपना ग्लास वाला पल्ला को खोल के इसको अगर लगा के भी रखेंगे तो आपके घर में आपको नेचुरल हवा आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई भी मच्छर वगैरह का कोई समस्या नहीं आने वाला है आपको। और ये आपका यहाँ पे हमने विंडो एसी के लिए फिटिंग की हुई है, आपका विंडो एसी यहाँ पे प्रॉपरली लग जाएगा। तो काम अच्छा हो रखा है देखा जाए तो, जो हम लोग अपने अगर खुद भी बनाते, आप खुद भी बनाते अगर, तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखते हैं कि अगर नेचुरल हवा आना चाहिए तो उसके लिए हमें दोनों पल्ले चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने, क्योंकि हमारा मास्टर बेडरूम है तो अटैच टॉयलेट में आते हैं। अटैच टॉयलेट भी बहुत ही अच्छा है, आप गौर करिए। सबसे पहले यहाँ पे ये एकदम प्रॉपरली नहाने के लिए बहुत ही प्रॉपर जगह है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने जा रहा है अगर हम गेट बंद कर दें तो। डाइवर्टर लगा मिल रहा है आपको, शावर ऑलरेडी लगा हुआ है। और अब इधर आइए, टॉयलेट की सीट लगी मिल रही है आपको, और यहाँ पे वॉश मशीन लगा हुआ है। टॉयलेट की सीट यहाँ पे भी आपको नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है, ठीक है। गीजर की फिटिंग के लिए ऑलरेडी फिटिंग करी मिल रही है आपको, गीजर आपने सिर्फ लगाना है, हमने पावर का पॉइंट भी आपको दे रखा है। वॉल टू वॉल टाइल लगी मिल रही है आपको, कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ पे हमने ग्लास लगा दिया है, जब भी आपको एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा आपने एक ग्लास को उतरवा लेना है और आपका एग्जॉस्ट वहाँ पे लग जाएगा। तो ओवरऑल, और इसमें जो लाइट वर्क भी अगर आप देखेंगे तो हमने उसको सीलिंग में ही दे रखी है, तो ओवरऑल ओके रिपोर्ट है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, कॉमन टॉयलेट के हिसाब से। अब मैं आपको इसका बालकनी दिखाता हूँ, ये पोर्शन हमारा बालकनी का है। बालकनी को अगर देखेंगे, ये देखिए आप, इसको गहरा किया गया है कितना, ये ऑलमोस्ट 4 फीट का है। तो 4 फुट का आपके पास आपको यहाँ पे गहराई की गई है, ताकि बड़ा से बड़ा वॉशिंग मशीन भी अगर आपके पास है तो आपका यहाँ पे लग जाएगा। टैप हमने ऑलरेडी लगा रखी है और उसके लिए पावर का पॉइंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। बालकनी का स्पेस देखें तो चौड़ाई में ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। और रही बात बालकनी में, तो आप देखेंगे हर तरफ टाइल लगा हुआ है, कभी काम नहीं कराना पड़ेगा आपको, हर तरफ। लाइट वर्क जो है सीलिंग में ही है तो डिस्टर्बेंस नहीं होना आपका। तो इस रूम से भी बालकनी में एक्सेस है, और अभी हम तीसरा जो बेडरूम दिखाएंगे उससे भी है बालकनी में एक्सेस। बालकनी में गौर करिएगा, ये हाइट ऑलमोस्ट 4-4.5 फुट की हाइट का बालकनी है। आपके घर में अगर बच्चा भी है ना, तो आपको रिस्क नहीं रहेगा कभी भी कि हाँ बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे जनरली चढ़ के देखना चाहते हैं। अच्छी हाइट दी हुई है, ये मैंने कई बार हर चीज़ों में मैंने डिमांड करी थी कि ये चीज़ें चाहिए। रिस्क फ्री हो गया है आप यहाँ पे, आपको कोई जाला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुलापन का भी महसूस होगा। और ये बाहर में दिखाइए आप, कम से कम भी 25 फुट का रोड है बिल्कुल ही। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, बालकनी आपका किधर निकलेगा, क्योंकि आपका नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है तो बालकनी आपका आ रहा है साउथ की तरफ। ड्यूरिंग द डे आपके घर में, मैं भी हम लोग अपर ग्राउंड पे हैं, आप देखिए कितना नेचुरल लाइट है। तो ड्यूरिंग द डे आपके घर में नेचुरल लाइट बहुत आने है। आप इसमें, ये अपर ग्राउंड फ्लोर है, आप जितना जितना ऊपर जाएंगे लाइट तो और अच्छा बढ़ेगा। और एक चीज ये पॉइंट इसको दिखाइए आप, एक स्प्लिट एसी की फिटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपको यहाँ पे आउटर यहाँ निकला हुआ है। इस जगह पे कभी भी कोई काम तो होना नहीं है, आपको आउटर रखने के लिए सेपरेट जगह मिल गया आपको। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप रहेंगे तो आपको फील होगा कि परफेक्टली हर चीज़ किया हुआ है। आइए अब हम आपको तीसरा बेडरूम दिखाते हैं।
जी हमारा तीसरा बेडरूम है। आप रूम में घुसते ही आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले चीज आप ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा वॉलपेपर दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मुझे नहीं पता वीडियो में आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन सामने से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर दिख रहा है। और बेडरूम का साइज आप देखिए, आप ऑलमोस्ट 12x14 का बेडरूम है, बहुत बड़ा बेडरूम है, स्पेसियस बेडरूम है। और सबसे खूबसूरती इस बेडरूम का ये है कि इसका जो अलमीरा है ये बालकनी की तरफ वाला ही ये पोर्शन आपका ले रहा है, प्रॉपर अंदर में है इसका, अंदर से इधर से कोई मतलब है नहीं। तो ये पूरा का पूरा स्पेस पे आप बेड लगाने के बाद अपनी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं, आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए आप क्या रखेंगे। लेकिन हमारे तरफ से बहुत ही बहुत ज्यादा स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, बेड का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट इसमें आपको ईस्ट वेस्ट का ही डायरेक्शन मिलेगा आपको, जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे। लेकिन ओवरऑल बड़ा बेडरूम के साथ में, और स्विच के पॉइंटेड यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांच पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां की आपको चार्जिंग पॉइंट है, आप उसको किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें हर वो चीज़ का ध्यान रखा गया है जो जनरली आप जब खुद भी अपना घर बनाएंगे तो आपको नीड महसूस होगा, वो चार्जिंग पॉइंट हर चीज़ के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। ठीक है, बाकी दीवारों पे एज यूजल मुझे इस फ्लैट का सबसे बड़ा खासियत ये लगा, वाइटनेस बहुत है, हर जगह सफेदी सफेद सफेद नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको नेट वाला भी पल्ला मिल रहा है, ग्लास वाला भी मिल रहा है, बीच में हमने लोहे का ग्रिल आपको लगा के रखा हुआ है, और ये पोर्शन आपका यहाँ पे विंडो एसी का हो गया। तो आपके दो बेडरूम में आपको विंडो एसी मिल जाएगा जो कि बालकनी की तरफ है, वहाँ पे आप विंडो एसी लगा सकते हैं। एक बेडरूम और कॉमन ये क्या कहते हैं लिविंग एरिया, इसमें आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग करी हुई है, आपको स्प्लिट एसी वहाँ लगेगा। ठीक है, इस रूम का एक बार फॉल सीलिंग दिखाइए, ऐसा फॉल सीलिंग है कि इसमें धूल वगैरह नहीं जमा होगा, सबसे बड़ी चीज ये है, एकदम सिंपल है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, लाइट भी बड़ी वाली लगी हुई है, हर चीज अच्छा लग रहा है इसमें देखा जाए तो। पंखे वगैरह इस फ्लैट में आपको लगा लगाया मिल ही रहा है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल हमारे आपको तीसरा बेडरूम दिखाया। इस बेडरूम के साथ में भी आपका बालकनी का एक्सेस है, जो बालकनी अभी हम आपको दिखा रहे थे। तो आपको बालकनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों के दोनों बेडरूम से बालकनी आपको लगा हुआ मिल रहा है, ये बहुत कम फ्लैटों में होता है, जनरली एक रूम में होता है, एक रूम में नहीं होता, विंडो होती है लेकिन दोनों में नहीं होता। फ्लैट का मत्था अच्छा था इसलिए ये सारे पॉसिबल हो पाए हैं। ओवरऑल ये फ्लैट मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट लगा, वास्तु का भी रिपोर्ट मुझे ओके लगा, छोटा मोटा तो हर चीज होता है वो आप उसको तो इग्नोर किया जा सकता है, जो मेजर पॉइंट होता है वो सारा यहाँ पे देखा कि मैंने मुझे ओके लग रहा है, काम बहुत अच्छा हो रखा है, बड़ा फ्लैट है। जहाँ तक बात है रेट वगैरह के लिए तो आपको वीडियो में हमारा नंबर आ ही रहा होगा, आप उस पर बात भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम उस पर बात कर ले, आपको रिटर्न कॉल बैक भी कर लेंगे अगर हम फोन नहीं उठा पाए तो, या तो व्हाट्सएप पे हम आपको जरूर जवाब देंगे। झूमर वगैरह हर चीज़ मैंने बताई दिया था कि पंखा झूमर हर चीज़ लगा हुआ मिल रहा है, बिजली पानी सबका कनेक्शन ओके रिपोर्ट है, यहाँ पे सीवर वगैरह ओके रिपोर्ट है। अब हम आते हैं सबसे पहली चीज़ लोकेशन पे, लोकेशन भी आपको समझा देता हूँ। ये फ्लैट द्वारका मोड़ मेट्रो के नियर पड़ेगा, जिनको भी अगर मेट्रो स्टेशन के हिसाब से अगर देखना है तो ये द्वारका मोड़ के मेट्रो स्टेशन पे पड़ेगा, और रामा पार्क रोड से बिल्कुल ही लगा हुआ रोड है। तो आपके पास 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैं खुला खुला एकदम साफ कह रहा हूँ, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपको देखा जाए तो मेन रोड से या मेट्रो स्टेशन से। लेकिन 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, और आपको यहाँ पे हकीकत यह है सुबह के 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ई रिक्शा वगैरह हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो। मार्केट हर चीज़, मार्केट वगैरह सब कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पे है,
मार्केट है, हॉस्पिटल है, हर चीज अदर एवरीथिंग जो है, हर चीज जो है पैदल के रास्ते पे है। बस ये मेट्रो स्टेशन या फिर नजफगढ़ रोड, ये आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दिक्कत है नहीं, तो आपके पास ई रिक्शा की सुविधा आपको मिलती है। चूंकि ये 1 किलोमीटर के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लैट आपको रिजनेबली बहुत ही सस्ते रेट पे होगा। वो आप हमसे फ़ोन पे आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं। मुझे फ्लैट दिखाने में अच्छा लगा, खुद भी पसंद आया मुझे, होपफुली आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज हम उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप लोगों के हिसाब से हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ओवरऑल ये फ्लैट अगर बन रहा है तो आप लोगों के लिए ही बन रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये फ्लैट हमने लेके रख लेना है। ये फ्लैट बिकने के लिए ही बना हुआ है, तो आप लोगों के हिसाब से ही बनेगा। होपफुली ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।